तो देखिए गाइस, नमक उमक नहीं डाला था। तो देखिए और पर तो वो देखती नहीं। धीमा कर लोगे। तो गाइस देख सकते हैं हम लोग इस वक्त आ चुके छत पे, पूजा हो रहा है यहाँ पे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। राहुल सुबह चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अभी सुबह के 10 बज रहे और ये सब यहाँ पे देखिए नाश्ता कर रहे, दूध रोटी। मेरे हस्बैंड जस्ट गए हैं मार्केट अभी सब्जी लाने के लिए, क्योंकि जितिया पूजा का आज नहा खाया है, तो इसकी वजह से मैं घर का सारा काम कर ली हूँ और अभी मेरे हस्बैंड का आने का वेट कर रही हूँ। देखिए आज का वेदर बहुत ही ख़राब है, ऐसा लग रहा जैसे बारिश होगा। मेरे हस्बैंड भी मार्केट गया हुआ है, जल्दी नहीं आएंगे तो बारिश स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर अभी जस्ट आधा घंटा पहले ही निकले, तो चलिए तब तक मैं जल्दी से नहा लेती हूँ, क्योंकि आएंगे तो फिर पूजा वूजा करना है। अरे सबको भी हमें नाश्ता करा दी, अभी जाती हूँ नहाने के लिए, घर का काम कंप्लीट हो गया। और सो फाइनली फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड आ गए मार्केट से और जितना सारा सब्जी लाना था सारा सब्जी लेके आ गए। तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या सब्जी लाना है। और पिछले बार भी मैं जितिया पूजा का पूरा ब्लॉग अच्छे से डाली हुई थी। और ये देखिए, ये पूजा करने के लिए ये फल लाए, संतरा और एप्पल। उसके बाद ये एक सब्जी है पटल, और ये कुंदरी दूसरा, और ये झींगा। उसके बाद भिंडी है और मूली, और उसके बाद कौड़ा है, बैंगन, और ये झींगा का पत्ता। सब सब्जी मिला के मेरे हस्बैंड अभी लेके आए, और इसमें कुछ कुछ है, ये चना भी नहा के मैं फूलने दूंगी, और चना और ये दोनों मिला के। और उसके बाद इस पे साग है ये, और मड़वा का आटा का रोटी भी मैं बनाऊंगी, तो इसमें मड़वा का आटा है। तो सारा प्रोसेस मेरे नहाने के बाद ही स्टार्ट होगा। तो चलिए मैं सबसे पहले तो फिलहाल मैं नहा के आती हूँ। और यहाँ ऋषभ टमाटर लेके बैठे हुए हैं, मेरे हस्बैंड अभी ब्रश किए हैं, बस ये लोग नाश्ता करेंगे, क्योंकि सुबह ही मार्केट गए थे, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। मैं भी जाती हूँ जल्दी नहा के आती हूँ, तो आगे का काम मैं करूँगी क्योंकि अभी तक रुके हुए थे। वो देखिए गाइस, इस वक्त जितिया पूजा के लिए वो सुबह रेडी करे प्रसाद, और दिखाता हूँ आपको क्या किस चीज़ का रोटी बना रहे हैं। मड़ुआ का रोटी बन रहा है इस वक्त, आप लोग को दिखाता हूँ ब्लॉग में। अनोनी का साग बनेगा अभी इस वक्त। तो देखिए गाइस, और धीमा कर लोगे बाबू, रोने लगा आप उसको भगा दिया ना, ऐसे रो रहा। किस चीज का आटा रहता है, उनको लग रहा है ऐसा सरसों का पाउडर। सरसों नहीं है तो? हाँ लगता, लेकिन केसाव केराव है, पता नहीं जो नहीं लाए हम, मूंग के सहरारा उसी का आटा है। पता नहीं, हम कल देख रहे थे यूट्यूब पे, इतना सरसों लिया भूंजा, सेम उसको भपाया, चाला पहले फिर भपाया, भपाने के बाद फिर रोटी बनाया, तो बच्चे को खिला रहा था, बोल रहा था बहुत हेल्दी है। तो देखिए गाइस, सुबह ना खा चुकी है और वो रेडी करे इस वक्त सब मड़ुआ का रोटी, और उसके बाद खिलाते थे सरसों का रागी, रागी वही सेम आपको देख के ला, लेकिन नहीं पता ठीक से। नहीं, मार्केट में बिक रहा था सेम सरसों के जैसा ही, उसका नाम पता मतलब गोटा मड़ुआ बोला, सरसों के जैसा ही था, छोटा छोटा एकदम सेम उसे ही, मतलब समझा ना, थोड़ा लाल कलर का था वो, सरसों का ही सरसों ही था, अलग टाइप का नहीं होता सरसों में, बहुत सा होता है। साग भी इसी में भूंजेंगे, यही वाला सबसे पहले खाना होगा। तो देखिए गाइस, इधर भी पूजा वूजा हो चुका है, अरे सब मेरा नाराज हो गया है, हम उसको डांटते तो रूस के बैठ जाता है मेरा बच्चा ऋषभ, रुसने सीख आजकल बहुत रुसने लगा मेरा बच्चा ऋषभ। अरे बेटा भालुआ है ऋषभ, भेड़िया है बेटा, मुट्ठू दे देगो, देखिए उठ गया मेरा ऋषभ, देखिए गाइस ए हंसेगा, देखिए फिर से रुस गया, रुसनू हो गया है मेरा थोड़ा सा डांटने के बाद। देखिए गाइस,
रोटी हो गया है, तीन इधर है और अभी दो और दो लोया और होगा उसके बाद। साग बनाएंगे आप खा लीजिएगा। साग कहाँ है जी रखा हुआ, दिखा तो। ये देखिए क्या नाम है जी, ये नोनी का साग। मेरे घर साइड मेरे बगान में बहुत सारा था ये, और आज पूजा में इस्तेमाल हो रहा, बहुत सारा था। जंगली साग होता है ना, जंगल उंगल। तो देखिए गाइस, नमक उमक नहीं डाला। तो देखिए गाइस, तावा में साग फ्राई हो रहा है। बस सबको नहीं देना है, क्या जी क्या जी दिए इसमें, खाली मतलब हल्का सा बोल दो ना, बहुत हेल्दी हो जाएगा। स्मेल भी अजीब आ रहा है ना, थोड़ा धीमा कर। वाह यम्मी, इसे खाएगी ऋषभ की, इसे खाएगी ऋषभ की मम्मी, पापा ऋषभ बिटू। तो गाइस देख सकते हैं हम लोग इस वक्त आ चुके छत पे, पूजा हो रहा है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, जितिया पूजा के दिन होता है कि नहा खाए के दिन, सबसे पहले सुबह में जो भी बनता है मड़वा का रोटी और नोनी का साग, वो झींगा के पत्ता में पहले चढ़ाया जाता है। और आफ्टरनून भी जो खाना बनेगा मिक्स सब्जी और दाल चावल जो भी बनेगा वो भी चढ़ाया जाता है। तो इसके वजह से सबसे पहले मैं अभी छत पे, जैसे ही मड़वा का रोटी और ये बन गया तो मैं छत पे आई हूँ। और आने के बाद यहाँ पे मतलब जहाँ पे चढ़ाऊँगी वहाँ पे पहले अगरबत्ती जलाई, फिर टीका लगाई, और उसके बाद फिर मैं ये झींगा का पत्ता को उस पर मैं रोटी, मड़वा का रोटी, नोनी का साग दूँगी, और उसके बाद पानी उनी डालूँगी, और उसके बाद फिर आफ्टरनून भी जो बनाऊँगी सेम यही प्रोसेस पे करूँगी। तो फिर यही है प्रोसेस जितिया का नहा खाए का। तो पिछले बार का ब्लॉग में भी सेम हम मैं ऐसे ही करके भी डाली हुई हूँ, इस बार का भी ऐसे ही है। तो चलिए आगे का जो भी ब्लॉग है मैं आप लोग को और भी पूरा, और कल का ब्लॉग भी मैं डालूँगी जितिया का पूजा कैसे करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे ब्लॉग को देखिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और यहाँ पर फिर मैं पूजा मेरा डन हो गया, फिर आफ्टरनून भी सेम मैं यही करूँगी। और अभी देखिए यहाँ से मेरा छत का पूरा व्यू, आप लोग मेरे छत से कैसा दिखता है बाहर का नज़ारा एक। सो फ्रेंड्स, आज के लिए मैं सीखता ही, तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और न्यू ब्लॉग कैसे चाहिए इसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।